इसमें विशेष निर्देश और समयबद्ध इसमें व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक ये आगे बात बढ़ नहीं पाएगी। एक बात मैं और साधारण जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब से सरकार में हम लोग आए हैं 24,000 करोड़ का मुआवजा हम लोग बांट चुके हैं। 3500 करोड़ मुआवजे की राशि इधर लॉकडाउन के कारण कुछ दिन से नहीं वितरित हुई। अब जो हमारे जिले ग्रीन जोन के अंतर्गत आ गए हैं और जहां पर अब जो हमारी नीचे की मशीनरी है लॉकडाउन की दृष्टि से उपयोग नहीं किया जाना है उसका पूरा उपयोग करके अभी जो हमारे पास धनराशि है उसके वितरण के लिए बहुत प्राथमिकता के आधार पर पूरा विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है, यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। इसी प्रकार से जो बड़ी समस्याएं थी जैसे आप ये जो मेरठ एक्सप्रेसवे वाला उसमें भूमि की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने शासन के स्तर पर कैबिनेट से निर्णय लेकर के उसका समाधान करवाने का काम कर दिया। ये मैं आपको केवल जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है प्रदेश सरकार के स्तर पर कुछ भी कहीं पर भी डिले नहीं होने दिया जाता है और कहीं पर भी कोई समस्याएं उठाई गई हैं तो उनको वो विलंब से हमारे पास सूचना देंगे तो अलग है कि विलंब हो जाए, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई समस्या है उसको हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो लंबित यानी आप और पूरे भारत सरकार के सभी माननीय मंत्रियों का बहुत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं अभिनंदन करते हुए क्योंकि लंबी बात नहीं करना मैं जानकारी के लिए आपको बता दूंगी। जी सर।